हिंदुस्तान में हमने दो अनारकली सुनी थी, एक से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अनारकली आरा वाली हमारे साथ है। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। स्वरा, कहते हैं कि आप इमोशनल हैं, और जब आपकी मूवी देखी गई सोनम ने, शी क्राइड ऑल वे, तो किस तरह की मूवी है, थोड़ा बताइए कि इट्स लाइक इमोशनल थिंग और व्हाट? अनारकली ऑफ आरा एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, एंगेजिंग फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, लेकिन अच्छी फिल्म है, एक अच्छी कहानी कहती है। नाच पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, रंगीला म्यूज़िक पार्टी की गायिका और डांसर अनारकली की। अनारकली एक द्विअर्थी गाने गाती हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता होगा, ऐसे शोज़ देखे होंगे आपने। बट ये यू नो, हम लोग जब ऐसे शोज़ देखते हैं बतौर समाज, हम लड़की को सिर्फ लहंगे और स्टेज और यू नो झटके मटके तक महज उतना ही समझते हैं। ये कहानी ऐसी लड़कियों को इंसानियत बख्श रही है, उन्हें ज़िंदगी बख्श रही है, उन्हें कहानी बख्श रही है और उन्हें एक अस्तित्व दे रही है। एंड बेहतरीन कहानी है, अच्छी कहानी है, अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन, म्यूज़िक, सब कुछ बेहतरीन है। एंड आई थिंक कि आप ये फिल्म देख के आओगे ना, आपको चाहे जो लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन कहीं पर वो फिल्म आपको छुएगी। सो आई थिंक किसी भी अच्छी कला का वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मकसद होता है वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म। और हाँ, सोनम को बहुत अच्छी लगी, सोनम मेरी दोस्त हैं, बहुत अफेक्शन है हम दोनों के बीच में, और वो 10 मिनट तक रोई है ये फिल्म देखकर। अनारकली को म्यूजिक का जो गाना वो समझ आ गया था, लेकिन स्वरा समझ पाई थी? मैं एक्चुअली यू नो द फर्स्ट टाइम जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके लिए, और मैं आरा गई थी और मैंने ऐसे एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी की महिलाओं से मैं इंटरव्यूज ले रही थी, और मैंने उन्हें कहा कि आप गाइए, तो भोजपुरी में वो गा रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जब मैं वापस आई ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी फुल्ली गाने, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा, एक लड़के को फ़ोन किया, और मैंने कहा कि आप यार ज़रा ट्रांसलेट करो, और उसने जब ट्रांसलेट किया, आई वाज लाइक आर यू सीरियस, लाइक इसका ये मतलब है? सो आई वॉज रियली शॉक्ड। हमारी फिल्म में तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब बचकानी टाइप के गाने हैं जो एक्चुअली ये लोग गाते हैं उसके कंपेरिजन में। सर, हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को कहते सुना है कि माधुरी दीक्षित बनना चाहती, लेकिन स्वरा एक्ट्रेस जो कहती है मैं शाहरुख़ बनना चाहती हूँ। हाँ, ये सच बात है कि मैं बॉम्बे शाहरुख खान बनने आई थी, लेकिन बॉम्बे आके मैंने देखा कि शाहरुख सर बिल्कुल बरकरार हैं और वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनके 8 packs हैं, 16 pack बन जाएंगे जल्दी ही, तो अब मैंने शाहरुख खान बनना है नहीं बनना है वो छोड़ दिया, मैं स्वरा भास्कर बनना चाहती हूँ। सर, जाते जाते बिकॉज होली लॉन्च भी होता है फैंस, भाई आप सभी को मेरे स्वरा भास्कर की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मज़े करें होली के दिन, खूब रंग लगाएं, भांग पिएं, गुजिया खाएं, बट सुरक्षित रहें और गुंडागर्दी ना फैलाएं, छेड़खानी ना करें। आई मीन हाँ, बुरा ना मानो, होली है, लेकिन मतलब एकदम ऐसी ही हरकतें ना करें जिस पे हम मतलब हमें हाँ मजबूरन बुरा मानना पड़े। थैंक यू टॉकिंग टू अस। तो ये थी अनारकली, जिनका म्यूजिक लॉन्च आज हुआ है और 24 तारीख को मूवी रिलीज होगी। मूवी की बहुत अच्छी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगी। कैमरामैन डीके के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।